आपको बता रहे, जहां पर बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। बिजनौर से खबर, बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। कोटावाली नदी के रपटे पर आया कई फीट पानी। पानी के तेज बहाव में बही कार, कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। बता दें कि यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित कोटावली नदी का यह पूरा मामला, जहां पर बरसात के कारण जलस्तर बढ़ गया है और तेज बहाव के चलते बही कार, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तेज बहाव में कार डूब गई पानी में। हालांकि कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान को बचाया। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर में है ये नदी। तेज बहाव के चलते बही कार, लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान। आपको बता दें कि बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने की वजह से कार पानी में बह गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जहीर अहमद जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? एक और जहां बारिश लगातार हो रही है यूपी के कई जिलों में, और जलस्तर जो है वो भी नदियों का लगातार बढ़ने लगा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर के मनाली थाना क्षेत्र के भागो वाला इलाके का मामला है, जहां पर एक बदायूं से तीन लोग कार में सवार होकर हरिद्वार जा रहे थे। जैसे ही लोग ये मनाली के भागो वाला इलाके में पहुंचे, वहां पर एक पुल क्षतिग्रस्त है, तो पुल के नीचे एक रस्ता बनाया हुआ है। उस रफ्ते से कार को गुजार रहे थे, अचानक से नदी के अंदर तेज बहाव आ गया और बीच नदी के अंदर कार डुबलाने लगी। तो तीनों लोगों ने कूद करके भाग करके अपनी जान बचा दी है, तीनों लोग सुरक्षित हैं, लेकिन कार जो है पानी में बह गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस का कहना यह है कि रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है और जो कार है, जैसे ही पानी कम होगा उसके बाद उसको निकलवाने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर आसपास जो नदी के लोग रह रहे होंगे, क्या उनको वहां से हटा दिया गया है? देखिए, पहाड़ों पे जो बारिश होती है, तो हमारे यहाँ कई नदियां बिजनौर जिले में होकर के गुजरती हैं, वो सारी नदियां इस वक्त तूफान पे हैं। तो जो आसपास का इलाका है, प्रशासन लगातार प्रयास किया जा रहा है प्रशासन तरफ से कि वो लोग सुरक्षित जगह पर हट जाए। पहले उनको हटा दिया गया था, साथ ही जो गंगा और अन्य नदियां कटान कर रही है उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि पहाड़ों से जो पानी आ रहा है, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ से खबर।